वक्त बड़ी खबर आ रही है, उस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, क्योंकि पानीपत से आ रही है। पिता ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया है, बड़ी खबर। जहां पानीपत में एक पिता ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया है, बेटा बेटी पत्नी को गोली मार दी है, खुद को भी गोली मार दी है, मौत के घाट उतार दिया है। और ये खबर पानीपत से आ रही है, इस वक्त की बेहद अहम खबर जो कि पानीपत से आ रही है। एक परिवार में एक पिता ने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया है, और ये खबर पानीपत से आ रही है। जहां पिता ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया है, बेटे बेटी और पत्नी को गोली मार दी और साथ ही साथ खुद को भी गोली मारी है, खुद को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार लिया है, बड़ी खबर इस वक्त की जो कि पानीपत से आ रही है। और पानीपत से हमारे साथ प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता प्रवीण, और क्या जानकारी आ रही है? देखिए मामला ताजा है और यह पानीपत के राजनगर का मामला है, जहां पर डिपो संचालक ने देर रात अपनी पत्नी, 8 साल के बच्चे लड़के और 5 साल की अपनी बेटी को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार दी है। बताया जा रहा है कि घर क्रेश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। लोगों ने इसकी सूचना पानीपत पुलिस को दी है, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पानीपत के पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवाकर सारे मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। जी प्रवीण, अभी तक किस तरीके की कोई सूचना मिली है, क्या परिवार वालों से बातचीत की गई है? जी देखिए, अभी जो मृतक है उनके पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी कि पुलिस इस सारे मामले में अभी गहनता से जांच में जुटी हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया गया है। चलिए प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें, जो बड़ी खबर आ रही है वो पानीपत से आ रही है, जहां एक पिता ने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया, बेटे बेटी और पत्नी को गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया और साथ ही साथ खुद को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार लिया, आत्महत्या कर ली। हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरीके से जो पूछताछ की गई है, जिस तरीके से हमारे संवाददाता प्रवीण ने बताया अभी कि जो बाकी के लोग हैं उनसे जानकारी मिल पा रही है कि किसी गृह कलेश की वजह से ये कदम उठाया गया है।